अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अफोर्डेबल ब्लश एंड पैलेट। मार्केट में ऐसी कौन सी पैलेट्स हैं जो अफोर्डेबल भी हों और जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्लश एंड ब्रशेस। ब्लश एंड अप्लाई करने के लिए जो ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, उनका एंगल कैसा होता है। जैसा कि बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है कि बहुत सारी आई शेडो पैलेट्स पड़ी हुई हैं, मैंने बहुत सारी आई शेडो पैलेट्स यूज़ की हैं। और उसके बाद जो है मोस्टली गर्ल्स मुझसे ये क्वेश्चन करती थी कि अफोर्डेबल पैलेट के बारे में बताएं जो जिसमें तकरीबन सभी वो शेड्स हों जो हम यूज़ कर सकें। तो मैंने कुछ ऐसी पैलेट्स सर्च की, मैंने देखा कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूं कि जो आप अफोर्ड भी कर सकें और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो आज जो मैं पैलेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरे पास ग्लैमरस की ब्लश एंड पैलेट है। आगे मैं इसके चलकर आपको स्वेचेस भी दिखाऊंगी और प्राइसेस के बारे में भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये आप कहां से बाय कर सकती हैं। अगर पैकिंग की बात करें तो ये कार्डबोर्ड पैकिंग में कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इसमें डिफरेंट शेड्स हैं। मैंने जो शेड परचेज़ किया है ये मेरे पास एफ शेड है, यहाँ पर भी आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा बैक साइड पर इसके तमाम वो इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं जो कि इस ब्लश एंड पैलेट को बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसकी एक्सपायरी डेट भी मिल सकती है जो कि मोस्टली प्रोडक्ट के साथ नहीं होती। और फ्रंट साइड इसका कुछ इस तरह से है। आई शेडो पैलेट ओपन करने पर आपको कुछ इस तरह के फोर शेड्स और फ्रंट मिरर मिलता है। टू ब्लश एंड ब्रशेस भी हैं। ब्रशेस कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और कुछ इस तरह के ये शेड्स हैं, लाइट पीच और लाइट पिंक शेड, जो तीन शेड पिंक के डिफरेंट शेड्स दिए गए हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक अपने शेड्स अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा जो ये फर्स्ट शेड दिया गया है, ये वाला शेड आप इसको एज ए कंटूरिंग भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपका कलर फेयर है तो आप इन तीनों शेड्स में से कोई भी शेड यूज़ कर सकती हैं। कुछ इस तरह के छोटे छोटे से दो ब्रशेस भी इस पैलेट में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि इस किस्म के ब्रशेस चाहे आई शेडो पैलेट में हों या फिर ब्लश ऑन पैलेट में, वो काबिल इस्तेमाल नहीं होते। अब आप देख सकती हैं कि ठीक है ये ब्रश तो है लेकिन इससे प्रॉपर वे में ब्लश ऑन आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये जस्ट एक एप्लीकेटर है, ये जस्ट आप इसको एज अ फॉर्मेलिटी तो रख देते हैं लेकिन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर ब्रांड्स इसकी जगह कोई अच्छा सा ब्रश रख दें तो मेरा ख्याल है कि उनके प्रोडक्ट की वर्थ बढ़ सकती है। अब चूंकि हम ब्रशेस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्लश एंड अप्लाई करने के लिए जो ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं वो कैसे होते हैं। ये मेरे पास कुछ ब्रशेस हैं और मैं आपको बताती चलूँ कि मोस्टली गर्ल्स इस किस्म के राउंड ब्रशेस को एज अ ब्लश एंड ब्रश यूज़ करती हैं। आप कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये पाउडर अप्लाई करने के लिए इस किस्म के ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं। अगर आप ब्लश एंड अप्लाई करने के लिए ऐसे ब्रशेस यूज़ करते हैं तो बासकत आपकी एप्लीकेशन ठीक होती है, बासकत नहीं होती। इस किस्म के जैसे भी ब्रश ये वाले जो पाए जाते हैं, इनसे आपका कॉम्पैक्ट पाउडर प्रॉपर वे में यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकती हैं ये कुछ इस किस्म के राउंड ब्रशेज़ होते हैं। अब आते हैं अपने ब्लश एंड ब्रशेज़ की तरफ। आप देख सकती हैं कि ये ब्लश एंड ब्रश है और ये साइड से कुछ एंगल ब्रश होते हैं। अब ये वाला जो मैं आपको दिखा रही थी ये राउंड ब्रश था लेकिन ये साइड से थोड़ा सा एंगल ब्रश होता है जिससे आपका ब्लश ऑन या आपका कोई कंटूरिंग कलर बेस्ट वे में यूज़ होता है। तो जितने भी ब्लश एंड के ब्रशेज़ होते हैं जो इस किस्म के साइड कट या साइड एंगल ब्रश जिसे कहा जाता है, इस तरह के फ्लफ़ी ब्रशेज़ के साथ आप अपना ब्लश एंड अप्लाई करती हैं। ग्लैमरस की ब्लश एंड पैलेट में जो शेड्स हैं उनके स्वेचेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये वाला जो हमारे पास शेड है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, इसको हम एज अ कंटूरिंग कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी कभी आप ब्लश एंड या फिर आई शेडो का पिगमेंट अपने ब्रश के ऊपर पिक करती हैं तो ट्राई किया करें कि थोड़ी क्वांटिटी पिक किया करें ताकि आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। इस तरह से जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो आप देख सकती हैं इसका वो शेड है कि आप इसको एज अ ब्लश एंड भी यूज़ कर सकती हैं और एज अ कंटूरिंग कलर भी यूज़ कर सकती हैं। अब इस पैलेट में से मैं सेकंड कलर पिक करूंगी तो आप देख सकती हैं कि ये बेबी पिंक है और इसका पिगमेंट कुछ इस तरह का है। इन शेड्स के बारे में एक और बात बताती चलूं कि ये फॉल आउट भी होते हैं और मोस्टली जो ब्लश ऑन्स होते हैं वो फॉल आउट होते हैं क्योंकि जब भी आप अपने ब्रश से कोई चीज़ अप्लाई करती हैं तो वो थोड़ी बहुत डस्ट आउट होती है। तो इस तरह से ये देख सकती हैं कि इनका कलर फॉल आउट हुआ है।
अब आते हैं इस पैलेट की प्राइस की तरफ। इसकी प्राइस 450 रुपीज़ है। अगर आप इसको draz.pk से ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं तो आपको मिल सकती है, या फिर आप अपने किसी कॉस्मेटिक स्टोर से भी इसको बाय कर सकती हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, नहीं लगी तो अनलाइक कर दें। इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में ये जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।